ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन खोई तो तुमको अमां कोई नहीं देगा, वतन जो मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ना दानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है योम आजादी। 14 अगस्त कुर्बानियों की दास्तान है, खून की वो लकीर है जिस पर बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अलग वतन का नक्शा खींचा, जिनके सदके में हम आजाद फिजाओं से सांस ले रहे हैं। मेरे लिए 14 अगस्त महज तारीख नहीं बल्कि वो अमानत है जो मेरे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां देने के बाद मेरी हवाले की है और मुझे बिना किसी कुर्बानी का इनकार किए अगली नस्ल तक मुंतकिल करना है। 14 अगस्त वो तशक्कुस है मुझे सारी दुनिया से जुड़ा मकाम देता है। 14 अगस्त वो शहर है जिसकी तलाश में कई सितारे टूट गए। 14 अगस्त वो पैगाम है जिसे मुझ तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने कासिद रास्तों की धूल हो गई, कितने दिल मलूल हो गए और कितने अर्श मेमूर हो गए। आई एम गोइंग टू चैलेंज यू, इफ आवर यूथ बिकम टॉलरेट, इफ वी कैन थिंक अबाउट आवर कंट्री, आई एम गोइंग टू चैलेंज यू दैट दिस पाकिस्तान विल लीड इन टू एयर ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज। In nowadays, a student become educated, he get education where we reach to the big posts. Did you know that when he get education, he move from Pakistan to the other country? They are giving benefit of education to the other country. Why we have to get this benefit to the other country? We have to give this benefit to Pakistan. This the Pakistan is our country, our father, mother, grandfather, all of them are from Pakistan. Biggest ironies, we have witnessed the dawn of freedom, the agony of partition, the tempest of terrorism, and the enduring struggle for survival. Yet, amidst the shadows of despair, the human spirit in us has burned brighter than ever. We've seen our mothers weeping for their lost sons, our fathers toiling relentlessly for their families, and our children growing up in a world scared by conflict. Their stories aren't mere narratives. They are the souls of our nation.